उत्तर प्रदेश के आगरा में भगवान की भक्ति का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शुक्रवार सुबह पुजारी लेक सिंह मंदिर में पूजा करने पहुंचे। पूजन के लिए वह लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे थे, उसी दौरान प्रतिमा हाथ से गिर गई और प्रतिमा का हाथ टूट गया। इससे वह दुखी हो गए और फिर लड्डू गोपाल को गोद में लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। वह वहां लड्डू गोपाल को अस्पताल में भर्ती कराने की जिद पर अड़ गए। डॉक्टरों के मना करने पर पुजारी रोते रोते बिशुद्ध हो गए। उसकी हालत देखने के बाद खुद सीएमएस ने लड्डू गोपाल का पर्चा बनवा कर अपने हाथों से प्लास्टर करवा कर पुजारी को सौंपा। इसके बाद भी भगवान को दर्द होने की बात सोचकर पुजारी रोता हुआ उन्हें अपने साथ लेकर गया। लड्डू गोपाल का इलाज होने के बाद भी पुजारी लेक सिंह के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हाथ में इतनी चोट लगी है, कितना दर्द होगा, इस तरह के विचार लेकर वह बहुत ही इस समय परेशान है। पुजारी की भक्ति देख वहां लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस अनोखी भक्ति और इलाज की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। हर रोज नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे खबर लगते ही आप तक पहुंच जाए।